परफॉर्म किया जा रहा है uh, उसका जो एवरेज ऑब्जर्व टाइम जो निकला है दैट इज़ फोर मिनट अच्छा एनालिस्ट रेटेड वर्कर एट एटी फाइव परसेंट वॉट डज दैट मीन दैट मीन्स के जो वर्कर था वो एटी फाइव परसेंट उस एक नॉर्मल एवरेज वर्कर से स्लो काम कर रहा था तो इसका ये मतलब है कि आपने जो इस वर्कर की वजह से नॉर्मल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आपने कम करना है ठीक है ना क्योंकि ये वर्कर स्लो था तो इसने टाइम ज़्यादा ले लिया तो उस बेसिस के ऊपर इस का जो नॉर्मल टाइम है उसको आपने कम करना है तो 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, अगर जो उसका वो रेटिंग है वो 110 परसेंट है तो दैट मींस के दैट वर्कर वाज 10 परसेंट फास्टर तो इसका मतलब है उसने जल्दी काम मुकम्मल कर दिया एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में सो so, उस टाइम को हमने 1.1 से मल्टीप्लाई करके उसको इंक्रीज करना है मकसद ये नहीं है कि हम जो वर्कर है उसके इंसेंटिव को कम करने के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं मकसद ये होता है कि जी हम स्टैंडर्ड ठीक बनाए सो दैट जब हम प्लानिंग कर रहे हो स्टाफिंग कर रहे हो तो उसके अंदर कोई इशू ना हो इंसेंटिव इज़ वन थिंग जो कि लेबर स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर हम डिटर्मिन करते हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर आप प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं उसके अंदर आप स्टाफिंग करते हैं और उसके अंदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कितना क्योंकि जितनी प्रोडक्शन फास्ट होगी उतने फास्ट मटेरियल चाहिए तो कई चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं इसलिए वी नीड एन एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड इसके अंदर एक और चीज जो दी हुई है वो दी है कि फर्म यूजेस अ थर्टीन परसेंट अलाउंस फैक्टर दैट मींस कि वो वैसे तो ऑब्जर्व किए हैं चार या पांच ऑब्जर्वेशंस होंगी दस होंगी मैक्सिमम लेकिन ओवर एट आवर्स पीरियड जो कि वर्कर ने काम करना है तो उसके अंदर फटीक हो जाती है उसने वॉशरूम जाना है उसने पानी पीने जाना है थिंग्स लाइक दैट तो उसके लिए मैनेजमेंट हैज़ टू गिव अलाउंस जिसकी वजह से वो फिर टाइम ऐड हो जाएगा इस स्टैंडर्ड uh, के अंदर और वो एक्चुअल टाइम आ जाएगा क्योंकि आपने एट आर्स के बेसिस ऊपर से एवेलुएट करते हैं तो इधर जो आपने स्टैंडर्ड डेवलप किया वो शायद टेन ऑब्जर्वेशनस पर किया है ठीक है फोर्टी मिनट्स के ऊपर कर लिया तो उसमें फटीक भी नहीं होती सब कुछ फ्रेश है तो उस बेसिस के ऊपर होगा तो उसके लिए फिर ये थर्टीन परसेंट का इसके इसके अंदर जो अलाउंस दिया है अब इस बेसिस के ऊपर अलाउंस फैक्टर के हैं पर्सनल टाइम अलाउंस जैसे मैंने बताया फोर टू सेवन परसेंट होता है यूजली ऑफ टोटल टाइम फॉर यूज ऑफ रेस्ट रूम वाटर फाउंटेन एंड ऑल दैट ठीक है डिले अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल डिलेज दैट अकर फॉर एग्जाम्पल मटीरियल टाइम पर नहीं पहुँचा टूल्स uh, टाइम पर नहीं पहुँचे इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो गया है तो उसका टाइम लगा स्विच ऑन होने में तो उसकी वजह से डिले अकर करता है तो वो भी ओवर द पीरियड देखते हैं कि कितना इसका यूज़ होता है तो वो एक्चुअल उसको लेते हैं फिर फटीक अलाउंस होता है आ, ये एनर्जी ह्यूमन एनर्जी Uh, एक एक्सपेंडिचर के बेसिस के ऊपर असेस किया जाता है कि इस काम के लिए कितना आपको uh, वो अलाउंस चाहिए फटीक अलाउंस uh, अब अगर हम देखें तो आर टू टाइप्स ऑफ अलाउंसेस वन इज कांस्टेंट अलाउंस कांस्टेंट अलाउंस इज वन जो कि हमने सेट कर देते हैं कि जी ये पर्सनल अलाउंस है ये एवरी ये उनका एवरीबडी के लिए है फाइव परसेंट यूजली ये फाइव परसेंट होता है बेसिक फटीक एक नॉर्मल उसके अंदर फोर परसेंट ऑफ टोटल टाइम है ठीक है अब वेरिएबल अलाउंस बट देयर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट जॉब डिफरेंट अलाउंस होंगे फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग अलाउंस वो टू परसेंट है दिया जाता है नॉर्मल पोजिशन आप बैंड uh, करके काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप टू परसेंट अलाउंस दे रहे हैं अगर बहुत ही ऑकवर्ड है स्ट्रेच कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं तो सेवन परसेंट का अलाउंस है इसी तरह आ, फोर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं मस्कुलर उसके बेसिस के ऊपर अलाउंस है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी पाउंड्स का आ, आप सामान उठा रहे हैं तो थ्री परसेंट अलाउंस मिलेगा फोर्टी परसेंट है तो नाइन परसेंट मिलेगा सिक्सटी तो परसेंट है तो सेवनटीन परसेंट मिलेगा सिक्सटी पाउंडस है तो सेवेंटी परसेंट मिलेगा तो ये अलाउंस डिटरमिन किए हुए हैं बैड लाइट है वेल बिलो थ्रेश है तो टू परसेंट है बहुत ही खराब है तो फाइव परसेंट का अलाउंस होगा आ, इसी तरह एटमॉस्फेरिक कंडीशन हीट ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उसका रेंज करता है फ्रॉम जीरो टू टेन परसेंट बहुत क्लोज अटेंशन आप दे रहे हैं तो टू परसेंट है वेरी फाइन और एक वेरी एग्जैक्टिंग है तो पाँच परसेंट है फॉर एग्जांपल सुई में धागा डालना इज वेरी फाइन तो उसके लिए यू विल प्रॉब्ली गेट फाइव परसेंट अलाउंस नॉइस लेवल कैसी है क्योंकि वो भी आपके ऊपर uh, स्ट्रेस पैदा करती है तो उसके बेसिस के टू परसेंट या फाइव परसेंट अकॉर्डिंगली होगा ऑल्सो मेंटल स्ट्रेन किस किस्म का है कॉम्प्लेक्स और वाइड स्पेन टेंशन बहुत ज़्यादा आपने हर चीज़ों को देखना है और उस नज़र रखनी है तो उसका फोर परसेंट है वेरी कॉम्प्लेक्स है तो एट परसेंट तक जा सकता है आ, कितना टी काम है ठीक है वो टू परसेंट है बहुत ज़्यादा है तो फाइव परसेंट है एंड सोन ये डिटरमिन किए हुए हैं कि ये जो है इसका आ, अलाउंसेस ये कितने मिलने चाहिए और इस बेसिस को जब सम करते हैं इनको आ, अब ये सारे के सारे काम एक ही बंदा नहीं कर रहा होगा वो इनमें से एक आध काम कर रहा होगा उसका अलाउंस मिलेगा ठीक है तो बाकी कुछ और काम करें कोई मेंटल स्ट्रेन में है, कोई ज़्यादा हैवी लोड उठा रहा है तो उसका अपना अपना अलाउंस होगा तो वो फिर हम वो अलाउंस और फिर जो फिक्स्ड अलाउंस हैं उनको सम कर कर हम टोटल उस जॉब के लिए हम डिटरमिन करेंगे कि अलाउंस उसको कितना मिलना चाहिए